स्वर्गीय जयपाल रेड्डी कांग्रेस के बहुत ही मकबूल नेता थे, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। एक शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा हो रही थी। श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बोल रहे थे। उन्होंने एक बात कही, प्रधानमंत्री मोदी को निर्भीक और इन्फॉर्म्ड सलाह लेने की ज़रूरत है। वैसे देखने में कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ डॉक्टर जोशी ने कहा है। मोदी के पास निर्भीक लोग नहीं जाते हैं, स्वतंत्र सलाह नहीं देते हैं, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन के इंस्टीट्यूशंस शायद बंद हो गए हैं। और ये होता है, एकल नेतृत्व की सबसे बड़ी खराबी है कि इसमें कार्य तो तेज़ी से हो सकता है, लेकिन इसमें वो संस्थाएं जो कभी आप पे ब्रेक लगाएं, आपको सही सलाह दें, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और इर्द गिर्द वही सलाह आते हैं जो आपको पसंद है। शायद मोदी जी इसके शिकार हो रहे हैं। अद्भुत है उनका फर्टाइल दिमाग, जो योजनाएं उन्होंने दी हैं। मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए इतनी मुफीद योजनाएं शायद ही कभी आई हों। मैं छात्र रहा हूं डेवलपमेंट जर्नलिज्म का, मैं कह सकता हूं कि कुछ योजनाएं अद्भुत है, लेकिन आज वो सारी की सारी दम तोड़ रही हैं। अब ज़रा देखिए हुआ क्या है। एकल नेतृत्व की वजह से आपने एक नोटबंदी का फैसला लिया, उस फैसले के असरात आज तक, नकारात्मक असरात आज तक आपकी इकोनॉमी को दीमक की तरह खा रहे हैं। सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स आपके नीचे आ गए हैं। क्या हुआ, 5 साल हो गया था ना, 5 साल तो शासन के हो गए थे, अब तो रफ्तार पकड़नी थी। क्या वजह है कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स नीचे जा रहे हैं? इसकी वजह है इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म, इन्फॉर्म्ड एडवाइस। ये एकल नेतृत्व का दुश्मन होता है। एकल नेतृत्व अच्छा लगता है, और मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति जब एकल नेतृत्व करता है, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि एक पैसा का भी इधर उधर कर दे, ये बात बड़ी अच्छी है। रफ्तार भी मोदी जी चाहे, आज आप देख रहे हैं, स्वच्छ भारत कहा तो हर मंत्री झाड़ू लगाने लगा, आज प्लास्टिक है तो हर अदना सा कर्मचारी भी प्लास्टिक तलाशता फिर रहा है। तो एक तरह से इसमें स्पीड तो आती है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो जाते हैं, वो प्रोसेसेस ख़त्म हो जाते हैं जो आपको इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म आपकी करे और पहले से आगाह करे कि नहीं, ये गलतियाँ कम से कम हो जाएगी अगर ये योजना इस तरह से की जाती है। आप एक उदाहरण लीजिए, आपने मुद्रा योजना चलाई, जब जब आपसे कहा गया कि साहब बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आपने मुद्रा योजना में कितने लोगों ने लिया है, कितने करोड़ लोगों ने उसका लाभ लिया, ये कह के आपने ये प्रेज्यूम कर लिया कि उन सब ने रोजगार सृजन हुआ है, उन सबों ने कमाना शुरू किया है। अब आप हकीकत देखिए, लेबर ब्यूरो की एक रिपोर्ट आज एक अखबार ने रिलीज़ की है, अभी तक वो पब्लिक में नहीं आई, लेकिन उस अखबार को मिल गई थी तो उसने रिलीज़ की है। और उस लेबर ब्यूरो के सर्वे में बताया गया है कि सिर्फ जो 5 आदमी लोन लिए हैं, उसमें से एक को ही रोजगार मिला है, बाकी ने जो ली थी लोन, वो जो पुराना व्यवसाय अपना कर रहे थे उसी में ज़्यादा पैसा लगाने के लिए वो लोन ले लिया। आसान भी पड़ा लोन देने वालों को, 4 तरीके थे लोन देने के, मुद्रा लोन देने के, 4 संस्थाएं थी जो लोन दे रही थी, उन सबको आसान पड़ा कि कोई ऑलरेडी धंधा जमाए हुए हो उसी को दे दो, कम से कम उससे रियलाइज तो हो जाएगा। तो आप ताज्जुब करेंगे कि ये योजना सिर्फ 20% इसमें लोगों ने नए रोजगार का आगाज किया, नया धंधा शुरू किया लोन लेके, बाकी 4 सब पुराने वाले थे। और ज़रा देखिए कितनी कॉस्टली पड़ी, करीब 3 लाख करोड़ रुपए आपने इन 3 सालों में खर्च किया जब तक सर्वे हुआ है, 15 से 18 तक का। और आप जानते एक रोजगार सृजन करने में खर्च कितना सरकार का आया है, 5 लाख से ज़्यादा रुपए सरकार के खर्च हो गए हैं। मुद्रा योजना असफल रही, ये अलग बात है कि मोदी जी कभी इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे, लेकिन ये लेबर ब्यूरो के सर्वे का रिपोर्ट है।
कोई बात नहीं। अब आप दूसरा योजना देखिए, आपने कहा किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, ये बात बरेली में आपने कही थी, उसके बाद लगातार दोहराते रहे हर चुनाव मंचों पे कहा आपने, अभी आपने बजट के दौरान आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उसको याद किया। हकीकत क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो प्रोडक्टिविटी होता है, दो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए लेकिन प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाए। प्रोडक्टिविटी एक फैक्टर होता है इनपुट अपॉन आउटपुट। आपने कितना इनपुट डाला और कितना उससे लाभ मिला ये देखा जाता है, इससे तय होता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। इनपुट आउटपुट का रेशियो प्रोडक्टिविटी कहलाता है। किसान लगातार उसका उत्पादन तो बढ़ रहा है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी गिर रही, यानी कि किसान का लाभ कम होता गया। लाभ तो खैर ही नहीं है, घाटा बढ़ता गया। न क्या हुआ इसका सबसे बड़ा उदाहरण, पिछले 17 साल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रेट सबसे नीचे पिछले एक दो सालों में रहा है, इसलिए कि मार्केटिंग आपने नई व्यवस्था की, प्रोड्यूस नीचे आता गया। योजना बहुत अच्छी थी, किसानों का डबलिंग फार्मर्स इनकम, और आपने दलवाई कमेटी बैठाई, उसने चीख चीख के अपनी रिपोर्ट में कहा कि अरे साहब ये 2022 में तो छोड़िए, ये 2028 तक भी डबल होना मुश्किल है, ये उस दलवाई कमेटी की रिपोर्ट में, लेकिन आपने इसको चुनाव मंचों से लगातार कहा। आज आपको ये कहने की ज़रूरत क्या थी, किसानों को हम बेहतर सुविधाएं देंगे, इतने कहने से क्या काम न चलता? कहां से डबलिंग फार्मर्स इनकम आप कहां से करेंगे? मेरे ख्याल से कोई रास्ता आपके पास नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। एक और योजना देखिए, आपने अभी अभी शुरू किया प्लास्टिक को बैन करने के लिए 2 अक्टूबर से, अच्छा प्रयास है, कोई नहीं कहेगा कि ये प्रयास गलत है। मोदी जी के मुझे आज तक याद नहीं आता कोई भी नेता इतना सही सोचता हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के पहले आपको अपने सलाहकारों से सोचना पड़ेगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या पिटफॉल्स हैं, एक करप्ट सिस्टम में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। चीफ मिनिस्टर्स को बुला के कहना पड़ेगा कि फसल बीमा योजना अगर आपके यहाँ लागू नहीं हुई तो आपकी नौकरी खतरे में है। गाय बैल कितने आपने बचाए और कितने लोगों ने ट्रकें रोकी, इससे नहीं होगा। आप ये ना बताइए कि हर मंत्री आपका अगर कहता फिरे कि पाकिस्तान भेज दो जो वंदे मातरम ना कहे, इससे नहीं। आपको चीफ मिनिस्टर से कहना पड़ेगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इससे जज होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अद्भुत स्कीमें हैं, उन स्कीमों को आपने कितना इम्प्लीमेंट किया है। न बिहार कर रहा है, न यूपी कर रहा है, अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है, बिहार सबसे फिसड्डी रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में। आपने क्या किया नीतीश का? तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले एक सलाह तो बनाएं कि कैसे कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। फसल बीमा बहुत अच्छी योजना है पर दम तोड़ गई, किसान का डबल फार्मर इनकम छोड़िए जो है वही मिल जाए वो बहुत है। लिहाजा आप जब योजनाएं बना रहे हैं, प्लास्टिक का आपने कह दिया लाल किले से, कितनी बार इसके लिए आपने विकल्प सोचा है, आज वो कौन सा विकल्प लेके जाएगा? अगर 2 किलो आलू लेना है, 5 रुपए की धनिया लेनी है, 20 रुपए का सामान लेना है उसको किराने की दुकान से, तो किस चीज में वो लाएगा? उसके लिए एक सस्ता विकल्प पहले से ढूंढ के मार्केट में रखना था। यह कुछ वैसा ही किस्सा हुआ कि मध्य प्रदेश में किसानों का अनाज इसलिए नहीं खरीदा गया सरकारी रेट पे कि वहां पे बारदाने की कमी थी, और भयंकर कमी रही, करीब 3 महीना कमी रही। आप जरा सोचिए कि बोरे की कमी भी इस देश में हो सकती, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या वहां की सरकार को यह नहीं मालूम था कि गेहूं बोरे में ही जाता है, जूट के बोरे गरीब है कहाँ बनते हैं यह भी उसको मालूम है? क्या पहले से ये ऑर्डर्स नहीं दिए जा सकते थे? तो कई बार मुझे लगता है कि भारत का भाग्य बदलने के लिए स्कीमें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन क्या वो वाकई अमल में आ रही हैं? और उसके लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का सलाह बिल्कुल सही है कि आप अपने पास
योजनाएं, आपका बहुत फर्टाइल दिमाग है डेवलपमेंट का। मैंने अपने जीवन में 42 साल में इतना फर्टाइल दिमाग का कोई लीडर नहीं देखा है जो कि विकास के बारे में सोचता हो। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, मुझे याद आता है जब इसी संसद में बोलते हुए मोदी जी ने 2014 में जब संसद में पहली बार आए तो उन्होंने कहा मनरेगा कांग्रेस सरकार का एक मॉन्यूमेंटल फेलियर है, यही शब्द उन्होंने अंग्रेजी का यूज किया कि मनरेगा कांग्रेस सरकार का, यूपीए सरकार का एक मॉन्यूमेंटल फेलियर है, लिहाजा हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको चलाते रहेंगे, ये दिखाने के लिए कि यह योजना आपकी कितनी गलत थी। 3 साल बाद यूएनडीपी ने दुनिया की योजनाओं की तारीफ करते हुए सबसे आगे मनरेगा को रखा। तब मोदी जी के समझ में आया और आज मनरेगा का जो बजट है वो डबल कर दिया गया है, दूना कर दिया गया है। क्या ये कमेंट करने के पहले जरा सा उसको गौर करने की जरूरत नहीं थी कि मुमकिन है मनरेगा में के इम्प्लीमेंटेशन में कांग्रेस गवर्नमेंट भी फेल रही हो, लेकिन योजना अपने आप में तो सही थी, वरना आपने क्यों चलाया अगले 5 साल, क्यों उसका बजट दूना किया? तो मनरेगा गलत नहीं था, उसी तरह आपकी योजनाएं गलत नहीं हैं, आपकी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन गलत हो रहा। और यही वजह है कि मुद्रा में 3 लाख करोड़ रुपए, तो 5 लाख करोड़, माफ कीजिएगा, मैंने पहले शायद 3 लाख कहा था, करीब 5 लाख करोड़ रुपए चले गए लेकिन रोजगार सृजन नहीं हो पाया है। और ये एक संकट का सबब है क्योंकि योजनाएं फेल नहीं होनी चाहिए, इसमें मोदी जी की अपनी गरिमा का भी सवाल है। लिहाजा सभी को, राज्य सरकारें हों, सभी एजेंसीज हैं, और मोदी जी को ये इनवाइट करना चाहिए। एकल नेतृत्व की प्रॉब्लम यह है कि दहशत के मारे कोई सही सलाह नहीं देता है, मीडिया लिख नहीं पाता है कई बार, तो मुझे लगता है कि मीडिया भी सही सलाह देने की तरह चाटुकारिकता करने लगता है, नेता भी यही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी में अच्छे लोग हैं, संघ में अच्छे लोग हैं जो सलाह दे सकते हैं, लेकिन इस एकल नेतृत्व की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दो ही आदमी डिसाइड कर रहा है। लिहाजा कई योजनाएं, जो योजनाएं अपने आप में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका अमल कैसे हो ये पूरी तरह नहीं आ पा रहा। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।